ही एकता से बंधे हुए हैं, एकता के धागे से बंधे हुए हैं। आज और हमारे बीच में माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बधा चुके हैं, जो जोरदार तालियां उनके लिए दी। आप जानते हैं कि माननीय मंत्री कर्नल राठौड़ जी ने सिल्वर मेडल जीतकर वहां पर ओलंपिक में हमारा सर ऊंचा किया था और आज मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। आज हमारे बीच में कुछ देर में बताने वाले हमारे बीच में बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए थे, तो एक बार हमारे खिलाड़ियों के लिए तो तालियां बजती है, जोरदार तालियां। सुराज की सुगंध से सुवासित है दोस्तों हमारा देश, भारतवासियों। माननीय प्रधानमंत्री जी का मन एक भारत श्रेष्ठ भारत विकास की वो बारिश है जो बिना किसी भेदभाव के हर घर आंगन में एक सा बरसती है। सरदार पटेल ने भारत को संगठित करके एक किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम विविधताओं से भरे भारत को एक रंग में रंगा और वो है विकास का रंग। हमारे बीच में स्कूल के बच्चे भी पधार चुके हैं, सारी एनर्जी और उमंग आज जैसे समंदर की तरह यहाँ प्रांगण में लहरा रही है। स्कूल के जो बच्चे आए हैं सबने देखने लगे हैं हम भारतवासी, क्योंकि अब सबने देखो तो जल्दी पूरे हो जाते हैं। तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में लाते तोड़ पर ओढ़ के। तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में रातें तोड़ पर ओढ़ के। जय गणपति सम्मान हमारा वंदे मातरम जान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। आज हमारे बीच में माननीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पधार चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मंत्रीगण के लिए, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक बार हमारे तालियों की आवाजें भारत माता की जय, इसमें जोरदार आवाज आनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, माननीय मंत्रीगण के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी जल्दी जल्दी अपना स्थान ग्रहण करें, कुछ ही देर में माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो राष्ट्रभक्ति के इस पवित्र अग्निकुंड में, इस देश विकास के महायज्ञ में आइए अपनी अपनी सेवाएं, अपनी सेवाओं की आहूति हम सब मिलकर चढ़ाएं। राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को एक दूसरे से जोड़कर हम देखें, एक पुल बनाएं, हर दिल में एक अलग जगाएं। सबसे पहले हम भारतीय हैं और सबसे आखिर में भारतीय हैं, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। इस बात की अंगड़ाइयां दिल में, हमारे जज्बे हमारे दिल में, हर दिल में हमारे यहाँ पर तिरंगा लहराता है और हमारे जो सैनिक सीमा पर हैं वो देश की हिफाजत करते हैं और हम सब मिलकर अंदर एक नया भारत बना रहे हैं। दोस्तों हमारे सैनिकों के हृदय में यही बात रहती है, रहे समक्ष हिम शिखर, रहे समक्ष हिम शिखर तुम्हारा।
थे निखर, भले ही जाए तन निखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो गगन उगलता आग हो छिड़ा मरण का राग हो, गगन उगलता आग हो छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने भाग हो, अड़ो वही पड़ो वही, बढ़े चलो अड़ो वही पड़ो वही, बढ़े चलो। परंपराओं के संयोजन से हम चित्र बनाया करते हैं। अब त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, दिवाली दस्तक दे रही है, तो परंपराओं के संयोजन से हम चित्र बनाया करते हैं। मिला स्वेद में शोणित को नवरत्न सजाया करते हैं, हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं, हम धन्य हुए हम गर्वित हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम धन्य हुए हम गर्वित हैं क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। और आज हिंदुस्तानियों की एकता की एक दौड़ होने जा रही है, जिसको फ्लैग ऑफ करेंगे देश के माननीय गृह मंत्री महोदय श्री राजनाथ सिंह जी, जो अभी ही कुछ ही देर में हम सबके बीच में पधारने वाले हैं। और जैसे ही माननीय गृह मंत्री जी पधारे, हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तो अब बिल्कुल तैयार हो जाइए, एकता की दौड़ कुछ ही देर में होने वाली है। जैसे ही माननीय गृह मंत्री जी पधारे, हम सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। और हमारे बीच में अब आ चुके हैं माननीय आवासीय एवं शहरी मामले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माननीय आज के कार्यक्रम में। हमारे बीच में माननीय विज्ञान एवं तकनीक तथा पर्यावरण एवं वन तथा क्लाइमेट चेंज तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी पधार चुके हैं। आज हम सब एकता की दौड़ में हिस्सा लेने वाले हैं। आज हमारे माननीय मंत्रीगण भी हमारे बीच में है प्रेरणा के रूप में, कुछ ही देर में माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। आने वाला है और जिस तरह से भारतवासियों हमारा देश आज सारे आसमान में भारत के नाम की गूंज है, दुनिया को भारत के नाम का एहसास हो चुका है, भारत के वजूद का एहसास हो चुका है। पता नहीं मेरा 10 पे यार, वो दूसरी साइड में है ना, 11 पे सर्वर 11 है। 11 एक काम करो, डाउन कौन कर दो इसको, फटाफट बताओ आने वाले। यार मेरा जो एक जगह ध्यानचंद स्टेडियम लिखा हुआ, मैंने खोल दिया। देख रही है दुनिया तुम्हें उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, देख रही है दुनिया तुम्हें उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिपटा लो आकाश में, उठो उठो बांध लो सारा सूरज अपने पास।
और सोनिया है, ये भी बॉक्सर है, तो अब हमारी लेडी बॉक्सर भी यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों की उत्साह, उमंग और तालियां उन तक पहुंचनी चाहिए। दुनिया भर को धूल चटाने वाला खली तुम ही तो है, दुनिया भर को धूल चटाने वाला खली तुम ही तो हो, बलवानों के बल का बादल दारा बली तुम ही तो हो, दुनिया भर को धूल चटाने वाला खली तुम ही तो हो, बलवानों का बल का बादल दारा बली तुम ही तो हो, जिसकी बाजी चकरा दे वो विश्वनाथ आनंद तुम्ही, बोल कबड्डी वाले दल के तमगों का हर द्वंद तुम्ही, अभिनव का तुम स्वर्ण पदक हो ध्यानचंद का घोष तुम्ही, अभिनव का तुम स्वर्ण पदक हो ध्यानचंद का घोष तुम्ही, तुम्ही विजेंदर का मुक्का हो मिल्खा सिंह का जोश तुम्ही, तुम्ही सानिया और सायना उषा की रफ्तार तुम्ही, बल्ला थामे सचिन तुम्ही तो कपिल देव की धार तुम्ही, सक्षमता हो साक्षी की पीवी सिंधु की जीत तुम्ही, विराटता लिए विराट की जय भारत का गीत तुम्ही, विराटता लिए विराट की जय भारत का गीत तुम्ही, जय भारत का गीत तुम्ही। माननीय मंत्रीगण हमारे बीच में पधार चुके हैं, हमारे बीच में है रिस्पेक्टेड होम सेक्रेटरी श्री राजीव गौबा जी, वो भी पधार चुके हैं। हम सभी गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करते हैं। और भारत माता की जय ऐसे उद्घोष है जो आसमान उठाए होते हैं, हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वंदे मातरम की गूंज इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, जितने जज्बे हमारे दिल में है, जितनी राष्ट्रभक्ति हमारे दिलों में है, उतनी ही बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा वंदे। यहाँ वाले जो लोग हैं जोश बनाए रखिए, सुबह सुबह का माहौल है, इतना खूबसूरत मौसम है दिल्ली का, वंदे। यहाँ इस तरफ वाले लोगों की आवाज मुझे कमी लग रही है, वंदे भारत माता की, बहुत खूब इसी जोश को बनाए रखिए। बस हमें जैसे ही माननीय गृह मंत्री जी आएंगे, करतल ध्वनि से तालियों से आप लोग पूरे आकाश को बुझा देंगे, ऐसा स्वागत उनका होना चाहिए, क्योंकि आज उन्हें भी ये दिखेगा कि आज हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों में हिंदुस्तान जवान है, जिसको हम कहते हैं कितना जोश है आज, ये हमें दिखा देना है। और रन फॉर यूनिटी जब होगी तो अनुशासन से हम लोग निकलेंगे। एक तो हम लोग की एक बहुत ही खराब आदत है सेल्फी लेने की या फोटो लेने की, लेकिन एकता की दौड़ एक ऐसा मौका है जिसे हमें गरिमा पूर्वक निभाना है, तो इस वक्त हम दौड़ करेंगे, सेल्फी लेके रुक जाते हैं, कभी कभी वो नहीं करेंगे। देखिए ये सब कुछ टीवी कैमरे में कवर होना है, सारी दुनिया देखने जा रही है कि भारतीय कैसे है, भारतीय सबसे अव्वल है दुनिया में, सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, ये मैंने कहा है, और ये सिर्फ कहा नहीं है, हम सबने सिद्ध करके दिखाया है, और आज हम सबको सिद्ध करके दिखाना है। हृदय से स्वागत करते हैं देश के प्रबुद्ध प्रखर ओजपूर्ण व्यक्तित्व माननीय गृह मंत्री।
श्री राजनाथ सिंह जी का आपकी गरिमा उपस्थिति से माननीय हम सब का उत्साह वर्धन हुआ है, हम सब के लिए प्रेरणा है माननीय आपकी उपस्थिति। बहुत बहुत स्वागत है माननीय आपका। मंच पर विराजमान सभी गणमान्य सम्माननीय मंत्रीगण तथा महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारतवासियों, स्वतंत्रता के बाद एक जद्दोजहद और भी थी, एक ज्वलंत प्रश्न और भी था भारत को अखंड बनाए रखने का। आज हमारे सामने जो इतना बड़ा नक्शा है भारत का, उसे ही रूप देने में सरदार पटेल की अत्यंत अहम भूमिका रही है। ये राष्ट्र सरदार पटेल को उनके इस योगदान के लिए शत शत प्रणाम करता है। और आज भारतवासियों की इतना बड़ा सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की जन्म जयंती पर उनके आदर्शों, उनके कार्यों, उनके विचारों, भारत को संगठित बनाए रखने के पुण्य प्रयासों को अपनी बेजोड़ कर्मठता से, अपनी गरिमा से शब्दशः चरितार्थ कर रहे हैं भारत के माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के लिए। और अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय गृह मंत्री जी आपसे कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें और उसके पश्चात हम सबको एकता की शपथ भी दिलवाएं। भारत सरकार मंत्रिपरिषद के हमारे सहयोगी डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री राज्यवर्धन सिंह जी राठौर, श्री हरदेव सिंह जी पुरी, श्री आर के सिंह जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली श्री अनिल जी बैजल, गृह सचिव श्री राजीव गौबा जी, विभिन्न मंत्रालय विभागों से आए सभी अधिकारी वर्ग, रन फॉर यूनिटी में भाग लेने वाले मेरे सभी भागीदार मित्रों, प्यारे बच्चों एवं अन्य अतिथिगण, सीएपीएफ एवं दिल्ली पुलिस के बहादुर जवानों, डिफेंस के यक्ष सर्विसमैन और साथ ही साथ रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी हमारे प्रिय दिव्यांगजन मित्रों, आज सारा भारत बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ स्वाधीनता संग्राम सेनानी और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती धूमधाम से मना रहा है। इस अवसर पर हम सभी यहां पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं और इसी प्रकार के रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम सारे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ हो रहे हैं। वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के गृह राज्य गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची उनकी एक विशाल प्रतिमा का भी अनावरण कर रहे हैं। सरदार पटेल की यह प्रतिमा मित्रों, यह देश की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। जब भी प्रतिमाओं की बात चलती है तो लोग न्यूयॉर्क में खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम लेते हैं, मगर आज के बाद से पूरी दुनिया में सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को याद किया जाएगा जिसका नाम होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आज के दिन इससे बेहतर श्रद्धांजलि सरदार पटेल को और क्या हो सकती है कि उनकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से सारी दुनिया में जाना जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति सारा भारत मानता है, क्योंकि उन्होंने जो भारत के 562 रियासतों में बटा हुआ था उसको एकजुट करने में बहुत ही बड़ी कामयाबी दिखाई है। यह भारत की मैं मानता हूं कि एक रक्तहीन क्रांति थी,
भारत को एकजुट राज्य बनाने के लिए जो उस समय चुनौतियां थी, परिस्थितियां थी, उन सारी चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करते हुए 562 देश की रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ना यह कोई सामान्य काम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी। फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने राजनीतिक कौशल और सूझबूझ का परिचय देते हुए देश की 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में कामयाबी हासिल की थी। आप सभी जानते हैं कि इस दुष्कर कार्य के लिए उनके पास समय बहुत ही कम था, क्योंकि 14 जून 1947 को ब्रिटिश की सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में भारत स्वतंत्र हो जाएगा। 70 दिनों की छोटी सी अवधि में 562 रियासतों को जोड़ने का काम अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और राजनीतिक कौशल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिखाया। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रियासतों को एकजुट न किया होता तो इस देश के क्या हालात होते, इसकी कल्पना भी मित्रों नहीं की जा सकती। यदि पटेल जी न होते, देश के कई इलाकों में हम भारतवासियों को वीजा या परमिट लेकर वहां पर जाने को मजबूर होना पड़ता। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के अनन्य सहयोगी थे। महात्मा गांधी नीतियां बनाते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसे व्यवहार रूप में लाने का काम करते थे। इसमें कहीं दो मत नहीं है, सारा भारत ये मानता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रवाद के प्रखर पोषक थे। उनकी सोच भारत की परिस्थितियों के अनुरूप यथार्थ पर आधारित थी। उनकी राष्ट्रीय विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की। मानते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल कि भारत विविधताओं का देश है, इसका उन्हें पूर्ण ध्यान था और इस हकीकत को समझते थे कि भारत में अलग अलग बोल, अलग अलग भाषा, अलग अलग पंथ और परंपराओं वाले लोग रहते हैं, सभी को साथ लेकर ही भारतीय अस्मिता का पोषण किया जा सकता है। मित्रों, इस देश में सरदार पटेल को हमेशा एक सिंबल ऑफ यूनिटी के रूप में जाना जाएगा। आज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसी प्रांत से आते हैं जो प्रांत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मस्थली है। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कल्पना थी आधुनिक भारत की, वह आधुनिक भारत बनाने के काम में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वह अच्छी तरह से समझते हैं कि सशक्त, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और विकसित भारत के लिए यह आवश्यक है कि भारत एकजुट होना चाहिए। इसीलिए बराबर एकजुट भारत की चर्चा हमारे प्रधानमंत्री जी किया करते हैं और इसमें सबसे बड़ा सहयोग और सहभाग प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि किसी का इस देश में हो सकता है तो भारत के नौजवानों का हो सकता है। मित्रों, आज जब गृहमंत्री के कक्ष में बैठकर सामने की दीवार पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र देखता हूं तो हमेशा हमें यह लगता है कि हम असमर्थताओं से नहीं बल्कि संभावनाओं से घिरे हैं। संबल मिलता है कि हर दीवार में एक द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा एक पहाड़ गुजर सकता है। वस्तुतः हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, शायद इसीलिए उन्हें लौह पुरुष के रूप में सारे देश में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व से आत्मविश्वास की एक धारा प्रवृत्ति है। इसलिए आइए आज हम सभी मिलजुल कर जैसे सारा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 143वीं जयंती पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है तो इस भारत की राजधानी दिल्ली में भी हम सभी आज 143वीं
जयंती के अवसर पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि कृपया हम सबको राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाएं। मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर शपथ लेंगे। मैं पहले बोलूंगा, मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। तो आइए देशवासियों, जुड़ जाएं, एकजुट हो जाएं। हमारे बीच में आज देश के गौरव माननीय मैरी कॉम राज्यसभा सदस्य तथा लेजेंड बॉक्सर चैंपियन और लेजेंड हॉकी प्लेयर हरदीन अजीज जफर इकबाल मौजूद हैं। आप दोनों से गुजारिश है कि माननीय गृह मंत्री जी को झंडी भेंट करें और हमारा आग्रह है माननीय गृह मंत्री जी से कि वो फ्लैग ऑफ करके रन फॉर यूनिटी को रवाना करें। माननीय आज हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी मौजूद हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करूंगी। कर्णम मलेश्वरी जी, अभिषेक वर्मा जी और दीपा कर्माकर जी, सोनिया लखर और शरद, आप सभी से निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारे। माननीय मिस मैरी कॉम और लेजेंडरी जफर इकबाल साहब माननीय गृह मंत्री जी को ये झंडी भेंट कर रहे हैं और रन फॉर यूनिटी का फ्लैग ऑफ करेंगे माननीय गृह मंत्री जी। आइए जुड़ जाए, एकजुट हो जाए। स्वतंत्र भारत को संगठित भारत का स्वरूप प्रदान करने वाले सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान करें। एक है देश, एक है हम। और माननीय गृह मंत्री जी ने झंडी को फ्लैग ऑफ किया और एक एक करके सभी लोग धीरे धीरे आएंगे अनुशासित ढंग से। एक है देश, एक है हम, ढंग अलग है हर कश्ती का, तूफानों में साहिल एक, रोशन रोशन घर की छांव, रोशन रोशन अपनी शाम में धूप के आंगन छांव है एक। एक है देश, एक है हम, ढंग अलग है हर कश्ती का, तूफानों में साहिल एक, रोशन रोशन अपनी शाम में धूप के आंगन छांव है एक, सूरज एक गगन में अपना, एक है अपना पूना। एक है देश, एक है हम, भाषाओं के ठाट अलग है लेकिन एक है सरगम। एक है देश, एक है हम। एक एक करके आप लोग धीरे धीरे निकलिए। बच्चों और दिव्यांगों को भी अच्छी तरह से जगह दें ताकि वो भी अनुशासित ढंग से इस दौड़ में शामिल हो सके। माननीय गृह मंत्री जी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, पूरा उत्साहित जैसे जनसमूह एकता की दौड़ में अपनी शिरकत
दर्ज कर रहा है, शामिल होना चाहता है, आप लोग आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं अपनी जगह पर। इस एकता की दौड़ को दौड़ ही रहने दे, रुके ना। अपनी आंखों में झांको, तुम नवी नहीं चिंगारी है, चिंगारी पर रात नहीं है, लपटों की तैयारी है। चलो हवा दो इस चिंगारी को, शोलों में ढाल दो, जहाँ चुनौती का बादल है शोला एक उछाल दो। जोशीला अंदाज तुम्हारा, रंग रंग में तूफान है, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। जी हाँ, पूरे उत्साह के साथ सभी ये जो नौजवान है, भारतवासी है, माननीय गृह मंत्री जी की शुभकामनाओं को हासिल कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी सबका अभिवादन सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं अपने आशीर्वाद अपनी शुभकामनाओं के साथ। आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल मत रुकिए। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान जवान है, थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। जहां हिंदू लिए विशाल हृदय में संस्कृत का सम्मान करे, पैगाम मोहब्बत का देकर जहां मुसलमान अभिमान करे, सेवा का अलग जगा करके ईसाई सेवा दान करे, और सर पर कफन बांध करके सिख जहां बलिदान करे, इस पावन पुण्य समर्पण को परिवेश नहीं कह सकता हूँ, इस स्वर्ग सरीखी धरती को सिर्फ देश नहीं कह सकता हूँ, इस स्वर्ग सरीखी धरती को सिर्फ देश नहीं कह सकता हूँ। आगे बढ़ते रहिए, प्लीज रुकिए मत। ये दौड़ है, इसमें दौड़ना है, धीरे धीरे जैसे ही आप लोग खुले में आ जाए तो दौड़ना शुरू करें, क्योंकि हम दुनिया वालों को ये जताना और बताना चाहते हैं कि हम दक्ष लक्ष्य को पाने में सक्षम है, आगे जाने में हम दक्ष लक्ष्य को पाने में सक्षम है, आगे जाने में साहस है, सही हम सदाचार अपने हरताने वाले में। आगे बढ़ते रहिए, माननीय गृह मंत्री जी और सभी माननीय मंत्रीगण महानुभाव यहाँ पर आपको अपनी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आजादी के 30 साल और सैकड़ों सपने, सपनों को पूरा करने के हमारे जज्बे, पूर्ण विकसित भारत बनाने की हमारी जिद, न्यू इंडिया का नया क्षितिज। आगे बढ़ते रहिए प्लीज, नया है लक्ष्य, नई है राहें, सबको साथ समेट कर एक साथ आगे बढ़ने के हमारे नए इरादे। नई क्रांति के बाहर में हम तोड़ेंगे भ्रम सारे, युग की आहट कानों में मंजिल है पांव हमारे। और जिस देश पर गांधी पटेल सुभाष जैसी मजबूती हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इल्मो हुनर में आगे सबसे बढ़ा हुआ है, पीछे हटा किसी से कब कारवा हमारा, क्यों हम डरे किसी से, क्यों हम दबे किसी से, पर्वत हिमालय सा है पासवा हमारा, तहजीब का हमी से सीखा सबक सभी ने, गुण गा रहा है क्या क्या सारा जहां हमारा, गुण गा रहा है क्या क्या सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप लोग आगे बढ़ते रहिए अनुशासित ढंग से, दिव्यांगों को, बच्चों को, महिलाओं को अच्छे से आगे बढ़ने दें, बच्चियों को भी बहुत अच्छे। आप लोग पूरे उत्साह उमंग के समंदर के साथ इस एकता की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, वो भी अनुशासित ढंग से। कभी सुना है सूरज के, कभी सुना है सूरज के रथ का घोड़ा थककर चूर हुआ, कभी सुना है सूरज के रथ का घोड़ा थककर चूर हुआ, कालखंड के लाख थपेड़ों से ध्रुव हटकर दूर हुआ, नन्ही चींटी वजन उठाने से घबराई, कभी नहीं किसी बीज ने मिट्टी में दब जान गवाई, कभी नहीं दग्ध मरुस्थल में सिद्धि जड़ भोग तो भूख को छेद दे, सीप ढूंढने स्वाति की एक बूंद अनल को भेद दे, कदम कदम में कटी असी में, कदम कदम में गति असी में, वाणी में आह्वान है थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। थाम तिरंगा करो घोषणा, हिंदुस्तान गतिमान है। और जिस तरह से न्यू इंडिया गतिमान है, हमें भी आगे गतिमान होना है,
सवा सौ करोड़ कदम जब एक साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा देश सवा सौ करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते रहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, गांव गांव शहर शहर एक लहर, बूंदे अनेक कहे सागर है, किरणे अनेक कहे सूरज है, धड़कन अनेक कहे दिल है, बोली अनेक कहे मकसद एक, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कल करना है आज करो, आज करना है अब करो, जोश में हम होश में है हम, पैर जमीन पर लक्ष्य है एक, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक और एक बने सौ करोड़, जीतेंगे दौड़ आसमां की ओर, जुड़ेंगे हम जोड़ेंगे हम, लहराएगा अपना परचम, लौह पुरुष के लौह पुत्र हैं हम, लौह पुरुष के लौह पुत्र हैं हम, एक हैं हम हैं एक, सबका अपना एक भारत, सबका सपना श्रेष्ठ भारत, सबका मान एक भारत, सबका अभिमान श्रेष्ठ भारत, चलो चले मिलकर बढ़े, धरती आसमां एक करें, लक्ष्य की ओर हम बढ़े, रंग देश का दिल में भरे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी हाँ, हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था को प्रणाम, हमारी एकता को सलाम, उभरती विश्व शक्ति भारत को प्रणाम, भारत की विश्व अभिलाषाओं को हमारा नमन हमारा प्रणाम। इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही खुले में आए तो दौड़ अपनी प्रारंभ कर दें। माननीय गृह मंत्री जी, पूरी शुभकामनाओं के साथ आप सभी के साथ अभी अभिवादन आप लोगों का स्वीकार कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में जहाँ बसा देश का वंश कहे, हर मेहनत कश दिल वाले के दिल में भारत का अंश कहे, सुबह का सूरज यही कहे, संझा की लाली यही कहे, फिर धूप छाँव के रंग कहे, पूनम उजियाली यही कहे, हर संस्कार संस्कार कहे, हर डेहरी आंगन द्वार कहे, पीढ़ी दर पीढ़ी प्यार कहे, हर शहर गांव परिवार कहे, हम रहे हमारा देश रहे, हर युग में ये परिवेश रहे, हम है अशेष हम है विशेष, हम पे विद्युत सावेश रहे, चढ़ रहे तिरंगे का जलवा, जन गण मन का यश गान रहे, जब तक है नील गगन नीला भारत माता का यश गान रहे, जब तक है नील गगन नीला भारत माता का यश गान रहे। इस महत्वपूर्ण खूबसूरत लम्हे को कैमरे में कैद करना हम सबकी आदत है, लेकिन अपनी दौड़ में कमी मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यह है एकता की दौड़, ये कोई आम ये कोई मामूली दौड़ नहीं है, ये हम सबकी एकता की दौड़ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और चलो, तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। भारतवासियों, कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती, कोई शक्ति हमें दबा नहीं सकती, क्योंकि हम सब में ऐसा जुनून है जिसमें जोश भरा हुआ है, जिसमें जूझने की हिम्मत है, जिसमें जीतने का हौसला है। आइए संस्कृत की सुभाषितानी को चरितार्थ करें, चरैवेति 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 निरंतरम, समान मंत्र समिति ही समानी, एक समान हम सोचते हैं, एक सी हमारी प्रवृत्ति है। बहुत खूब, ऐसे ही नारों और उद्घोष के साथ में हमारी एकता की दौड़ को कामयाब बनाएं। खेतों में जुटे किसानों से, सरहद पर डटे जवानों से, यह देश बना है मंगल पर आते जाते अभियानों से, माथे पर उभरी बूंदों में अपना हर आज समाया है, हर कल का हमें विकल्प हुए, कल कल करता कल गाया है, हर कठिन से हमने युद्ध किया, हर एक असंभव जीता है, सूरज के भाषा भाषी हम, आचार संहिता गीता है, हम पांव धरा पर धर अपने करते संवाद वितानों से, यह देश बना है मंगल पर आते जाते अभियानों से, ये देश बना है मंगल पर चढ़ते बढ़ते अभियानों से। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके
आदर्शों को शब्दशः चरितार्थ कर रहे हैं हमारे वर्तमान गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। उसी बुलंद इरादे के साथ देश की जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अपने कंधों पर पूरी जिम्मेदारी से, उसी आदर्श, उन्हीं विचार को आगे बढ़ाते हुए, और आज हमारे बीच में वो मौजूद हैं। हम सभी हृदय से उनके आभारी हैं, और आप सभी, हम सभी का ये बहुत सौभाग्य है कि आज माननीय गृह मंत्री जी स्वयं हमारे बीच हैं अपनी शुभकामनाओं, अपने आशीर्वाद के साथ। इसी उत्साह को बनाए रखिए, गति में कमी न कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान गतिमान है, जैसा कि हम सब जानते हैं। उसी गतिमान को आगे बढ़ाते रहिए। तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। आगे बढ़ते रहिए। आइए देशवासियों, पहला कदम बढ़ाएं और बढ़ाते जाएं। आइए साथ चलें, एक साथ चलें। हमारा मकसद, इरादा, मंजिल, पैशन, मिशन भारत और सिर्फ भारत है, तो फिर सोच किस बात का, डर किस बात का। तो चलिए मिलकर ये ऐलान करें। कितने बाजू, कितने सर हैं हम, कितनी बड़ी ताकत है हम। तो आइए इस नवराष्ट्र शक्ति को नवराष्ट्र निर्माण में लगाएं। 125 करोड़ संकल्प एक हो जाएं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 तक इस महासंकल्प को हम सिद्धि तक पहुंचाएं। ये देश हमारा, हम इसके ये कहने वाले जाग उठें। इसके हर सजदे पूजा में नत रहने वाले जाग उठें। जागे किसान, विज्ञान जगे हर प्रहरी और जवान जगे, नारी की शक्ति जाग उठे, कर्तव्य जगे, ईमान जगे, हर कलम जगे, कलाम जगे, आध्यात्म जगे व ज्ञान जगे, अपना ये देश बनाने को हर चेहरे की मुस्कान जगे। कल राज उदय का जाग उठे, माथे का पानी जाग उठे, ध्वज लिए तिरंगा हाथों में हर हिंदुस्तानी जाग उठे। हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन भी थर्राएंगे, हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन भी थर्राएंगे। फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे, फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे, जय हो भारत गाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी अपनी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हौसला अफजाई करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए, आप सभी उत्साह से भरपूर हैं, और जिस एकता के साथ, जिस उमंग के साथ इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उसकी तारीफ जितनी कम की जाए उतनी ही कम है। और ये बात सारी दुनिया देख रही है कि जब जब एकता की बात आती है, जब जब भारत की बात आती है, हम सब के जज्बे एक हो जाते हैं, हम सब की भावनाएं एक हो जाती हैं। सूरज नए क्षितिज चमकीले, इस सदी के चावल पीले, तम के घेरे तोड़ेंगे हम नई उजास लिखेंगे, उजियारे पृष्ठों का स्वर्णिम हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे, धरती शुभम लिखेंगे, मंगलमय आकाश लिखेंगे, उजियारे पृष्ठों का स्वर्णिम हम इतिहास लिखेंगे, हम इतिहास लिखेंगे। और ये तिरंगा जिस तरह से विविधताओं की सुंदर बुनावट है, अखंडता की बुलंद सजावट है, माटी का कण कण पुकारता है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका सर ऊंचा देखकर, इसे आकाश की बुलंदियों को छूता देखकर हर भारतवासी 100-100 बार जी जाता है। आंधियां चली, बादल गरजे, सागर भी लहरे कई बार, आंधियां चली, बादल गरजे, सागर भी लहरे कई बार, पर तुम्हें कभी पीछे हटते देखा ना किसी ने एक बार, तुम पर दुनिया ने नाश किया, तुम हो भारत के कीर्तिमान, बिजली सी मचल मचल लहरे, ये राष्ट्रपिता का स्वाभिमान, ये राष्ट्रपिता का स्वाभिमान।
आगे बढ़ते रहें इसी उत्साह के साथ। बहुत अच्छा अनुशासन आपने निभाया है माननीय गृह मंत्री जी, आप सभी को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं और हम सभी का सौभाग्य है कि इस देश को ऐसे गृह मंत्री जी प्राप्त हैं जिनके बारे में बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो गुण हैं, उनके आदर्श हैं, उनकी छाप साफ साफ नजर आती है माननीय गृह मंत्री जी में। भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इंकलाब की बोली से, एक पृष्ठ तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का। सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी की लड़ाई में शक्ति स्वाभिमान और आत्मविश्वास के प्रतीक थे भारतवासियों। ये राष्ट्र सरदार पटेल को एक लौह पुरुष के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ आज स्मरण कर रहा है। सचमुच लगता था कि उनके व्यक्तित्व का एक एक अणु लोहे के कण से बना हो। अपने सिद्धांतों के प्रति गजब की दृढ़ता थी उनमें, राष्ट्रहित सर्वोपरि था उनके लिए और इस प्रश्न पर उन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने आजाद भारत की 550 से भी ज्यादा रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण किया। देशवासियों, ये इतना बड़ा योगदान है जिसके लिए राष्ट्र उनका हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहेगा। हम हृदय से आभारी हैं माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सभी का उत्साह वर्धन किया। सभी गणमान्य माननीय मंत्रीगण महानुभावों का हृदय से धन्यवाद कि आज उन्होंने भी इस एकता की दौड़ में हम सबका उत्साह वर्धन किया। और सभी खिलाड़ियों को मैं प्रणाम करती हूँ, सलाम करती हूँ कि आज वो भी हमारे बीच में आए इस शुभ मौके पर। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी आपका। और इसी उत्साह को बनाए रखिए। ये देखिए हमारे बीच में माननीय मेरीकॉम जी, जिनकी उम्र बिल्कुल ही बच चुकी है। शी इज सच अ लेजेंड। ये भी है आपके बीच में, ये देखिए बता रही है किस तरह से दौड़ना है। प्लीज एकता की दौड़ को कायम रखिए, आगे बढ़ते रहिए। एकता की दौड़ है ये, इसे दौड़ ही बनाकर रखिए। धनिया आएगी खेतों तक, फसलें कच्चर हो जाएंगी, आशाओं की सूखी डाली सुर में मधुर हो जाएगी, ग्रह नक्षत्र खिलौने होंगे, ऊंचे पर्वत बोले होंगे, अंतरिक्ष होगा बाहों में, सूरज तक तैयारी होगी, ये सभी हमारी होगी, ये सभी हमारी होगी, ये सभी भारत की होगी। भारतवासियों बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए सभी हमारे खिलाड़ी के तौर पर मौजूद है, इनकी शुभकामनाएं आपके साथ है। दौड़ को बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीषा सुबह आप सभी से अनुमति लेती हूँ लेकिन आपके साथ दौड़ में शामिल होने आ रही हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
पुण्यतिथि है सर। बीच में मोबाइल लेके घुसे हुए हो। सोने अलाव होगा, सब अलाव होगा। सर नहीं है, पॉल्यूशन उसको बोलो, पॉल्यूशन कुछ